हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ एक अमेजिंग iOS स्टाइल MIUI थीम, जो कि आप चेक कर सकते हो। आपको कुछ ऐसी देखने को मिलती है। आप यहाँ पे चेक करोगे जो रिसेंट स्टाइल है उसमें आपको कुछ ऐसा iOS लिखा हुआ देखने को मिलेगा, और आप इस पर क्लिक करके ऐसे क्रॉस कर सकते हो, जो कि काफ़ी अमेजिंग आपको देखने को मिलता है। और भी इस थीम के साथ आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, जो कि आगे चल के वीडियो में बात करते हैं। और ये थीम डार्क मोड और लाइट मोड दोनों को सपोर्ट करती है, सो काफ़ी अमेजिंग थीम है और ये थीम स्टोर पर अवेलेबल है। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हम अपनी वीडियो को यहां से स्टार्ट करते हैं। इस थीम के साथ आपको कुछ ऐसा आइकन पैक देखने को मिलता है, जो कि आप चेक कर सकते हो। आपको iOS जैसा ही देखने को मिलता है, बिल्कुल कॉपी तो नहीं किया गया, क्योंकि अगर बिल्कुल कॉपी करते हैं आइकन्स को तो फिर ये थीम स्टोर से थीम रिमूव हो जाती है। बट आपको iOS जैसे ही देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप चेक कर सकते हो सेटिंग्स का आइकन, फाइल मैनेजर का आइकन। और आप यहाँ पे देखोगे आपको ये जो क्लॉक विजेट है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे वेदर डिटेल्स भी देखने को मिल जाएंगी, सो काफ़ी अमेजिंग आपको देखने को मिलता है। और आप यहाँ पे इधर क्लिक करके इसके स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हो, जो कि आप देख सकते हो क्लॉक के स्टाइल को चेंज कर सकते हो। काफ़ी अमेजिंग आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर है वो कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे परफेक्टली वर्किंग है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपको कुछ ऐसा वर्किंग करता हुआ देखने को मिल जाएगा, काफी अमेजिंग लुकिंग के साथ देखने को मिलता है। आप देखोगे आपको ये जो टॉगल्स हैं वो 3D लुक में देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफी अमेजिंग है यहाँ पे। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जो आपको यहाँ पे बैटरी आइकन देखने को मिलता है वो भी यहाँ पे आपको iOS वाला ही देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अमेजिंग है। और आपको यहाँ पे जो सेटिंग्स का UI है वो भी यहाँ पे अमेजिंग देखने को मिलेगा, जो कि आप चेक कर सकते हो। आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपकी सेटिंग्स जो है सेक्शन में डिवाइड नहीं होती, आपको पूरा एक ही पेज देखने को मिल जाता है। और आप यहाँ पे देखोगे जब आप अबाउट फोन के सेक्शन में आते हो तो आपको ये जो MIUI वर्जन लिखा हुआ देखने को मिलता है, इसका कलर यहाँ पे आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ देखने को मिलता है बाय डिफॉल्ट। और जब आप ओपन करते हो तब भी आपको ऐसा ही लिखा हुआ देखने को मिलता है, बट इस थीम के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो इसका कलर चेंज हो चुका है, जो कि आपको यहाँ पे ऑल ब्लू कलर में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको बाकी सेटिंग्स कुछ ऐसी देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हो साइड वाले जो आपको आइकन्स है वो चेंज देखने को मिल जाएंगे, सो काफ़ी अमेजिंग है यहाँ पे। और आप यहाँ पे देखोगे जो फोल्डर की लुकिंग है वो भी आपको चेंज देखने को मिलेगी, जिसमें आपको कुछ ऐसा बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी अमेजिंग आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका मी मैसेज और डायलर में भी हल्का हल्का चेंज है, जो कि आप देख सकते हो प्लस का आइकन चेंज हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे डार्क मोड में भी करके दिखा देता हूँ थीम को। यहाँ पे डार्क मोड में भी परफेक्टली वर्किंग है, जो कि आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं सेटिंग्स ओपन करके दिखाता हूँ, आप देखोगे पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क करती है थीम, सो काफ़ी अमेजिंग आपको ये थीम देखने को मिलती है। इसकी लॉक स्क्रीन भी काफ़ी अमेजिंग है, जो कि आप देख सकते हो आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, ऐसी कुछ एनिमेशन आएगी जब भी आप लॉक स्क्रीन को ओपन करोगे। और आप यहाँ पे इस टॉगल जो आपको ये देखने को मिलता है नीचे, इससे आपको स्वाइप अप करना है तो आप देखोगे आपको ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप अपने क्लॉक के स्टाइल को चेंज कर सकते हो, जैसे देखोगे आपने ये जो ऊपर आपको ये स्टाइल देखने को मिलता है ये वाला, इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद आपको ये जो क्लॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक करना है तो आप देखोगे आप यहाँ से क्लॉक के स्टाइल को चेंज कर सकते हो। जो भी स्टाइल आपको पसंद है वो बस आपको यहाँ पे क्लिक करके रख लेना है। और आप क्लॉक की ट्रांसपेरेंसी को इस नीचे वाले स्लाइडर से सेट कर सकते हो, जो कि आपको देखने को ऐसा कुछ मिल जाता है। सो उसके बाद बस आपको यहाँ पे बैक पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देखोगे आपको विजेट स्टाइल देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे विजेट के स्टाइल को भी सेट कर सकते हो। जो भी आप विजेट रखना चाहते हो वो यहाँ पे रख सकते हो। और इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी आप इस स्लाइडर से सेट कर सकते हो, जो कि आपको काफ़ी अमेजिंग देखने को मिलता है। उसके बाद बैक पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे आपको ये जो स्टाइल देखने को मिलता है वो आपके विजेट का स्टाइल देखने को मिल जाता है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लॉक पूरी चेंज हो जाती है। जहाँ पे भी आप स्टाइल रखना चाहते हो रख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे आपको नीचे यहाँ पे साइलेंट मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ से आप इजीली साइलेंट कर सकते हो और हटा भी सकते हो साइलेंट मोड से। फ्लैशलाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हो, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ से आप डायरेक्टली थीम के जो डार्क मोड और लाइट मोड में स्विच कर सकते हो। जैसे आप देखोगे इस पर क्लिक करोगे थीम डार्क मोड में हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे लाइट मोड में हो जाएगी, ये सिर्फ लॉक स्क्रीन के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे आप कैमरा को ओपन कर सकते हो यहीं से डायरेक्टली, सो काफ़ी अमेजिंग आपको देखने को मिल जाता है। दोबारा इस पेज पे आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे आपको और भी सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। जैसे आप देखोगे इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हो यहाँ से, यहाँ से आप ये चीज़ को सेट कर सकते हो, जो इसका एरिया है, ये जो आपको टॉगल देखने को मिलता है उसका एरिया को सेट कर सकते हो यहाँ से। यहाँ से आप देखोगे जो इसके टच के जो टच की सेंसिटिविटी है उसको यहाँ से सेट कर सकते हो। सो काफ़ी अमेजिंग आपको थीम देखने को मिलती है। यहाँ से एनिमेशन को ऑन ऑफ कर सकते हो, काफ़ी यूनिक आपको थीम देखने को ये मिल जाती है। और जब भी आप यहाँ पे कोई म्यूजिक प्ले करोगे वो लॉक स्क्रीन पे आपको कुछ ऐसा शो होगा, जो कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको कुछ ऐसी एनिमेशन देखने को मिलेगी बाउंसी इफेक्ट वाली, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग है। आप यहीं से डायरेक्टली म्यूजिक को पॉज प्ले कर सकते हो, प्रीवियस नेक्स्ट भी कर सकते हो, जो कि काफ़ी अमेजिंग आपको देखने को मिल जाता है। और आपको इस थीम के साथ कुछ ऐसा रिसेंट बार देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में चेक करवाया था। आपको कुछ ऐसा एप्पल के लोगों के साथ यहाँ पे iOS लिखा हुआ देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। ऊपर भी आप चेक करोगे आपको कुछ ऐसी लुकिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अमेजिंग आपको देखने को मिल जाती है।
और आपको इस थीम के साथ एक चार्जिंग एनिमेशन भी देखने को मिलती है, जो कि चेक करवा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप देखोगे आपको कुछ ऐसी चार्जिंग एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि आप चेक कर सकते हो। और ये थीम परफेक्टली वर्किंग है, जो कि आप देख सकते हो। कोई भी एप्लीकेशन मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ तो ईजिली ओपन हो रही है, कुछ भी क्रैशिंग भी आपको देखने को नहीं मिलती है। इस थीम को अप्लाई करने के लिए आपको आ जाना थीम स्टोर पर और यहाँ पे ये थीम सर्च करनी है, APEGA M14, जो कि आप देख सकते हो। आपको एज इट इज सर्च करनी है। 20.7 MB इसका साइज है, यानी इसके क्रिएटर है, काफी अमेजिंग भाई की थीम है। बहुत कुछ आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, बस आपको यहाँ पे इसे अप्लाई कर लेना है डाउनलोड करने के बाद। चाहे लाइट मोड में अप्लाई कीजिए चाहे डार्क मोड में, दोनों में परफेक्टली वर्किंग है। और आपको यहाँ पे थीम्स में भी कुछ सेटिंग्स देखने को मिलती है, आपको लॉक स्टाइल में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद कस्टमाइज पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे देखोगे आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि आप देख सकते हो। सबसे फर्स्ट सेटिंग आपको देखने को मिलती है कस्टम वॉलपेपर की, इसे आप ऑन करोगे। यहाँ पे आपको नीचे कस्टम वॉलपेपर सिलेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको गैलरी से वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है। वॉलपेपर सिलेक्ट कौन सा करना है, जिसका साइज यहाँ पे 1 MB होगा, ठीक है। 1 MB के अंदर होना चाहिए या 1 MB होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना आपकी वो जो इमेज है वो स्टक हो जाएगी या फिर आपकी ब्लैक स्क्रीन हो जाएगी। तो आप ऐसे लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे ऑफ कर दोगे तो आपको यहाँ पे डिफॉल्ट वॉलपेपर ही आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आप देखोगे आपको यहाँ पे ये देखने को मिलता है, आप यहाँ पे सिस्टम की चार्जिंग एनिमेशन को ऑन ऑफ कर सकते हो। सर्कल का जो चार्जिंग इफेक्ट आता है, जो मैंने आपको शो करवाया था, जो आपको नीचे सर्कल चार्जिंग इफेक्ट आता है, उसे आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आप जो कंट्रोल सेंटर का अवतार है उसे सेट कर सकते हो, म्यूजिक डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर सकते हो। सो ये आपको कुछ सेटिंग्स यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। पूरी परफेक्टली वर्किंग थीम है, ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर सकते हो। सो ये थी आज की कुछ वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।